वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरे जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो ये है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18। यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जब जब प्रभु ने अपने नबियों को चुना, राजाओं को चुना, तो उनका अभिषेक किया गया। जब प्रभु अपने काम के लिए और सेवकाई के लिए लोगों को चुनता है तो वह उन्हें अपने लोगों के द्वारा अभिषेक करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सदा उपस्थित रहता है और जब ये हमें अपने रूह की मामूरी और मसा प्रदान करता है तो इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, सुपरनेचुरल काम करने लगता है। इसलिए योहन अपने पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 27 में लिखता है कि तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला वह तुम में विद्यमान रहता है, इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं। उसकी शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं है। तुम उस शिक्षा के अनुसार मसीह में बने रहो। तो जब परमेश्वर अपने लोगों से काम लेता है, अपनी महिमा के कार्य वो प्रकट करना चाहता है, तो वह अपनी आत्मा को इन लोगों पर भेजता और उसके सामर्थ्य से ये सभी लोग कार्य करते हैं। तो इस अभिषेक का अर्थ यही है कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में विद्यमान रहती है। जिस तरह से पवित्र आत्मा की उपस्थिति दाऊद के साथ रहती थी, प्रभु के अन्य चुने हुए लोगों के साथ थी और स्वयं यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा छाया रहता था जिसके सामर्थ्य से वो चिन्ह और चमत्कार करते थे, वही पवित्र आत्मा हमें भी इन तमाम कार्यों को करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बाइबल हमें बताती है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 कि दाऊद का अभिषेक किया गया। सामुएल ने एक सींग में तेल लिया और उसे अपने हाथ में लिया, उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरा और उस पर छा गया। उसी दिन से वह उसके साथ विद्यमान रहा। मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 13 हम वचन में पढ़ते हैं कि दाऊद का अभिषेक किया गया। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया, उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया और उसी दिन से पवित्र आत्मा
दाऊद के ऊपर छा गया और उसके साथ विद्यमान रहता था। अध्याय 16 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, मैं जिसे दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से तुम अभिषेक करोगे। अध्याय 16 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु प्रभु हृदय देखता है। तो प्रभु के कार्य हमारी दृष्टि में अपूर्व हैं। हम जानते हैं कि जब जब परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए लोगों को चुना तो वे बहुत बड़े विद्वान और पंडित नहीं थे, वो बहुत बड़े बुद्धिमान लोग नहीं थे, या तो वे मछुआरे थे या वो चरवाहे थे या फिर वो बढ़ई थे या फिर समाज से दूर कहीं रहने वाले लोग थे। प्रभु ने उनकी प्रशंसा की, भले समारी का दृष्टांत उन्होंने दिया, पनघट पर बैठी स्त्री जो समारी थी उनसे वो मिले और उन्हें उन्होंने जीवन में रास्ता दिखाया। तो ये अभिषेक जो प्रभु हमें प्रदान करता है वास्तव में ये ईश्वर का सामर्थ्य है और प्रभु यीशु के व्यक्ति में है, ये सामर्थ्य उनके व्यक्तित्व में है। वो जो भी कार्य करते थे पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता था। वो मुर्दों को जिलाते थे, कोढ़ियों को चंगा करते थे, अंधों को आंखें देते, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाते और तमाम लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रायश्चित करने के लिए उन्हें आग्रह करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र और सामर्थ्य से, प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभूषित किया। जब उनका बपतिस्मा हो रहा था यरदन नदी में तो स्वर्ग खुल गया और ईश्वर का आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर उतरा। स्वर्ग से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब उनका रूपांतरण हो रहा था तो मूसा और एलियस उनसे बातें कर रहे थे। मूसा और एलियस उन्हें आने वाले दुखों के विषय में अवगत करा रहे थे कि आने वाली महिमा जो उनके जीवन में होने वाली है वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि डरना मत, घबराना मत, परमेश्वर तेरे साथ है। मैं समझता हूं कि मूसा और एलियस यीशु से यही बातें कर रहे होंगे। परमेश्वर ने यीशु को वो सामर्थ्य दिया जब गतसमनी बाग में औंधे मुंह होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, पुकार पुकार कर, वचन कहता है वो रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे थे, संभव हो तो हे पिता ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आखिर उनको इतना बड़ा दुख सहने का सामर्थ्य कैसे मिल गया? मैं और आप क्यों नहीं सह सकते इतना बड़ा दुख? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ था, पवित्र आत्मा उन्हें ढारस देता था, वो उसके सामर्थ्य से आगे बढ़ते थे। उन्होंने खून का पसीना बहाया, वो चारों ओर घूम घूम कर कफरनाहूम में गलीलिया में लोगों की भलाई करते रहे, शैतान के वश में आए हुए लोगों को छुटकारा दिलाते रहे। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उनको देखकर चिल्लाते, दुष्ट आत्माएं डरती कांपती हुई चिल्लाती थी और जितने भी लोग उनके वश में थे उन्हें छोड़कर वो भाग जाती थी। इस अभिषेक के द्वारा जो प्रभु हमें प्रदान करता है, जो अनॉइंटिंग हमें वो देता है, जो सामर्थ्य वो हमें देता है, इसके द्वारा प्रियजनों असाध्य रोग, लाइलाज बीमारियां, हर प्रकार की गरीबी, निराशा, धोखा, एडिक्शन, शोषण, भय जैसी दुष्ट आत्माएं, बुरी आदतें तुरंत जलकर राख हो जाती हैं। क्योंकि रूह की आग जब हमारे ऊपर उतरती है तो वो हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। जितने लोग इस बात को अनुभव करते हैं
वो अपने जीवन में आशीष का अनुभव करते हैं। तो जब रूह की मामूरी आती है, जब रूह का मसा हमारे जीवन पर छाता है, तो शैतान के कार्यों को पूर्णतया वो दमन कर देता है, क्योंकि शैतानी ताकत परमेश्वर के वचन के सामने, अभिषेक के सामने नहीं टिकती है। शैतान तो उसके वचन से डरता और कांपता है। अगर शैतान किसी चीज से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि परमेश्वर का वचन से वो डरता है, उपवास से वो डरता है, क्योंकि उपवास प्यारे भाइयों और बहनों हमारे शरीर को क्या करता, तगड़ा बनाता है। हमारा शरीर तपता है और आत्मा स्ट्रांग होती है। तो परमेश्वर अपने कार्यों के लिए लोगों का अभिषेक करता है, जैसा कि स्वयं उसने अपने पुत्र यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। इसलिए मसीहों को इस अभिषेक की आवश्यकता है। एवरी डे व्हेन यू सिट ड्यूरिंग द प्रेयर, व्हेन यू वेनरेट द ब्लेसड सैक्रामेंट, जब भी आप ब्लेसड सैक्रामेंट की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उस वक्त उसकी मामूरी हमारे जीवन में उतर आती है और वो हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर अपने कामों के लिए आप में से बहुत सारे लोगों को चुनता है और अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है। हम राजाओं के पहले ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 19 पद संख्या 16। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 16। परमेश्वर ने एलिया से कहा, हजायत का अराम के राजा के रूप में और निमशी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में तुम अभिषेक करो। क्योंकि परमेश्वर जब भी अपने लोगों को, दासों को चुनता है, तो सबसे पहले वो आत्मा के अभिषेक से उन्हें भरता है, ताकि उनके अंदर वो जोर आ जाए। क्योंकि ना तो ये ताकत से काम हो सकता है, ना जोर से हो सकता। अगर किसी चीज से हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ रूह की मामूरी से, रूह की आशीष से, रूह के मसे से और उसके अभिषेक से ये काम हो सकते हैं, दूसरे काम नहीं हो सकते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने अभ्यंजन के तेल और वेदी के रक्त में से थोड़ा लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर उन्हें छिड़का। इस प्रकार उसने हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों का भी अभिषेक किया। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि वचन सुनाने वाले के ना केवल मन पवित्र हो, ना केवल विचार पवित्र हो, ना केवल शरीर, परंतु उसके वस्त्र भी पवित्र हो। यह बाइबल बताती है कि जब प्रभु ने मूसा से कहा कि हारून तेरे साथ जाएगा, और उस वक्त मूसा ने ना केवल हारून का अभिषेक किया, परंतु उसके साथ उसके वस्त्रों का भी अभिषेक किया, उसके पुत्रों का भी अभिषेक किया। उन्होंने वेदी पर से पवित्र रक्त लेकर उनके वस्त्रों पर छिड़का। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करना और उसकी आराधना करना। तो हमारा मन, आत्मा और शरीर और हमारे वस्त्र आराधना के दौरान अपने जीवन में ये पवित्र रहें और प्रभु हमें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करेगा। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 39। तमाम उदाहरण हमें मिलते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनता है तो उनका अभिषेक करता है। याजक सादोक ने तंबू से तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। याजक जादोक ने तंबू से तेल से भरा हुआ सींग लिया और उसे निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। योहन के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं,
तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है, तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है। तुम सभी लोग सत्य को जानते हो, लेकिन फिर भी तुम अनजान क्यों हो? अगर बाइबल ये कहती है कि आप लोगों को मसीह को जानने का सामर्थ्य मिला है और आप लोग सत्य को जानते हो, तो फिर भी हम में से बहुत सारे लोग सत्य को क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पहचानते हैं? स्त्रोतकार लिखता है अध्याय 45 पद संख्या 7 में, आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए ईश्वर आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। जानते हैं क्यों? जानते हैं आप में से बहुतों को क्यों चुन लिया गया? क्योंकि आप न्याय से प्रेम करते हैं, आप अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आपको चुन लिया। आपके बहुत सारे लोगों को साथियों को नहीं चुना। कभी कभी बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हैं और उनके काम भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति सेवकाई में चला जाता है और बाकी के यूं ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से ये चुना हुआ व्यक्ति हो सकता है न्याय से प्रेम करता हो, अन्याय से घृणा करता हो। इसलिए प्रियजनों, प्रभु आपको चुनता है। जब ये मसा और ये अभिषेक हमारे जीवन में आता है तो इससे होता क्या है, ये क्या करता है हमारे जीवन में? सबसे पहला वचन हम पढ़ते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 27 में, कि ये आपके बंधनों के जो जुआ है उसे तोड़ता है, ये बंधनों के जुए को तोड़ता है। ध्यान देंगे प्रभु का वचन क्या कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 27, ये बंधनों के जुए को प्यारे भाइयों और बहनों तोड़ता है। लेवी के ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, ये आपको शुद्ध और पवित्र करता है। भजन संहिता 23 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ये आपको उत्साही बनाता है और आशीष आपके जीवन में ओवरफ्लो होती है। एक और विशेष बात जो अभिषेक हमारे जीवन में करता है, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 में प्रभु का अभिषेक हमें सिखाता है, चलना सिखाता है, लोगों को चंगा करने का वरदान हमें देता है, बीमारों को चंगा करने का वरदान हमें देता है, वचन की व्याख्या करने, वचन का प्रचार करने का ज्ञान और सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। और ये अनॉइंटिंग आपको सामर्थ्य प्रदान करती है, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 38, कि ईश्वर ने यीशु को आत्मा से अभिषेक किया। बाइबल स्पष्ट करती है कि ईश्वर ने यीशु मसीह को आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 10 पद संख्या 38। आप सभी लोगों को परमेश्वर ने किसी ना किसी रूप से अभिषेक किया है, आपको आशीष प्रदान की है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ये अभिषेक काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम इसका सामर्थ्य नहीं जानते हैं। हमारे जीवन में वो अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं है। जब तक कोई चीज एक्टिवेट नहीं है तो वो काम नहीं कर सकती है। आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल के रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उसको की डालकर एक्टिवेट ना करें वो काम नहीं करेगा। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। प्रभु ने आपको चुन लिया, आपको वरदान दे दिया प्रार्थना करने का, वचन सुनाने का, लेकिन आप उसे छिपा कर बैठे हुए हैं। ठीक वैसे जैसे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक महाजन अपने 3 नौकरों को, जब वो विदेश जाने वाला था, उनको बुलाकर एक को 5 अशर्फियां और दूसरे को 3 और तीसरे को 1 अशर्फी देकर चला गया। सबको उसने वरदान दिया। पहले ने काम किया और उसने मेहनत की, 5 और कमाई। दूसरे को 3 मिली थी, उसने मेहनत की और 3 कमाई, लेकिन तीसरा
उस आशीष को, उस अशर्फी को मिट्टी में दबा कर बैठा रहा। उसने उसे एक्टिवेट नहीं किया, मेहनत नहीं की, उसके लिए काम नहीं किया और अनेक बहाने बनाने लगा। मेरे जीवन में ऐसा था, मैं ये सोच रहा था, आप कठोर हैं, तमाम बातें वो कहता है। तो मनुष्य कभी कभी इस बात से, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लेम एक्सक्यूजेस देता है, क्योंकि वो करना नहीं चाहता। इसलिए तो प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने से ये अभिषेक एक्टिवेट हो सकता है। अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को प्रकट करने से, अपने विश्वास की अभिव्यक्ति के द्वारा आप इस अभिषेक को एक्टिवेट कर सकते हैं। विश्वास में आप चलते रहें तो आपके जीवन में ये अभिषेक बना रहेगा और ये सक्रिय रहेगा। आप अपने जीवन में सेवा के काम को करते रहें तो ये मसा आपके जीवन में काम करता रहेगा। आप प्रायश्चित करते रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते रहें तो ये अभिषेक आपके जीवन में सक्रिय रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु के संस्कारों को ग्रहण करके आप इस अभिषेक को आप अपने जीवन में सक्रिय बना सकते हैं। नित्य प्रतिदिन दया और पुण्य के काम करके आप अपनी इस अनॉइंटिंग को सक्रिय बनाए रख सकते हैं। अगर हम बुराई में जीवन जीने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि ये अनॉइंटिंग चली जाती है। प्रियजनों, ये अभिषेक कमाने के लिए पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन अनॉइंटिंग जाने के लिए एक सेकंड काफी है। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। प्रभु ने जिन जिन लोगों को मसा प्रदान किया था उनके जीवन में ऐसा ही हुआ। शमशून के विषय में हम जानते हैं कि शमशून को परमेश्वर ने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया था, उसकी ताकत उसके बालों में थी, लेकिन वो दलीला के बातों में, प्रलोभन में पड़ गया। दो बार वो बचने का प्रयास करता, लेकिन तीसरी बार प्रलोभन में गिर ही जाता है और उसकी गोद में सो जाता है। और वहीं से उसका जो अभिषेक था, उसको जो प्रभु ने ताकत का वरदान दिया था, गायब हो जाता है। दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही होता है। उस दाऊद के ऊपर, जिसके ऊपर आत्मा छाया रहता था, एक गलती की वजह से वो इस अभिषेक को खो देता है और उसके बाद लगातार घुटने टेक कर रोता, गिड़गिड़ाता, प्रायश्चित करता जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम में से बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, लेकिन शाम को हो सकता है कुछ गलत शब्द मुंह से निकल जाएं तो हमारा पूरा उपवास खराब हो जाता है। हो सकता है आज पूरा दिन आपने लंगर लगाया, सेवा करके आए, और शाम को आकर आपने पड़ोसी को अबा तबा किया, गाली दे दी। आपके लंगर का, आपके पुण्य का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सेवा, पुण्य, तपस्या और ऐसे कामों को करता है तो इन कामों के साथ साथ उसे अपनी जुबान पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा मसा छीन सकती है। हमारे अपशब्द, हमारा गलत व्यवहार हमारे जीवन से मसा छीन सकता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22, ईश्वर के द्वारा दी गई आशीष और गिफ्ट का आप इस्तेमाल करें। यदि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। रिमेंबर दैट यू हैव बीन अनॉइंटेड। हर मसीह को यह याद रखना है कि आपका अभिषेक किया गया है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा आपको पवित्र आत्मा की मोहर प्रदान की गई है और आप नए व्यक्ति हैं। ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने का आपको अधिकार मिला है। अगर हम भूल जाते हैं तो ये अभिषेक चला जाता है। कभी अपने आप को शीशे के सामने खड़े करना और देखना और कहना,
अपना नाम लेकर कहना, या यूं कहना कि मैं मसीह के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं मसीह के द्वारा अभिषिक्त किया गया व्यक्ति हूं, मसीह ने मुझे अपने काम के लिए चुना है, मसीह ने मुझसे प्रेम किया है, मसीह ने मेरे लिए रक्त बहाया है, मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, यीशु ने मेरे लिए दाम चुकाया है, यीशु ने मेरी सेवा की है और मुझे सेवा करना सिखाया है। एक बार नहीं, जितनी बार आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को याद दिलाएंगे तो ये अनॉइंटिंग आपके जीवन में सक्रिय रहेगी, ये एक्टिव रहेगी और आपको प्रलोभन में गिरने ना देगी। जब आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि प्रभु ये कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे, खाली मेरा नाम लेकर जोर जोर से मुझे पुकारने वाले सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वे लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, केवल वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो प्रभु से कहना कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें प्रदान कर, प्रभु से कहना कि पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा हे प्रभु यीशु हमारे ऊपर कर दीजिए। आज आपका परिवार प्रभु के अभिषेक से भर जाए। लेट एवरी वन गेट अनॉइंटेड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो आपके जीवन को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे, इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आए, शांति आए, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु आपको आशीष और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, हृदयों की थाह लेने वाले अब्बा पिता, तूने दाऊद का, सुलेमान का और अपने चुने हुए लोगों का अभिषेक किया प्रथा के अनुसार। हे प्रभु, तूने दलहन से बने पवित्र तेलों को पवित्र किया, दलहन से बने तेलों को पवित्र किया और अपने चुने हुए याजकों के द्वारा अपने दासों का अभिषेक किया। हे पिता परमेश्वर, तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया। आज मेरे परिवार का और मेरे जीवन में अभिषेक देने की कृपा कर। हे प्रभु, हमारे हर एक काम काज में तेरी रूह का दुगना मसा छाए, हम तेरे वचन को अपने जीवन में धारण किए रहे, तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज के ये वचन, इनके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आ जाए, ये हमारे रास्तों का उजाला करें, हमें आशीष प्रदान करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।